उधर बहादुरगढ़ में एक अवैध बार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की हैं। पिछले लंबे वक्त से बिना लाइसेंस के शहर के नामी होटल फ्यूजन बार में यह अवैध बार चल रहा था। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली कि होटल में बिना एक्साइज लाइसेंस के अवैध काम हो रहा है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है, यहां चल रहे अवैध बार का भंडाफोड़ किया गया। इस दौरान एक्साइज विभाग की टीम और सीएम फ्लाइंग की टीम को भारी मात्रा में शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो शराब के अवैध कारोबार राज्य में रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला भी सामने आया बहादुरगढ़ का, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की है और अवैध शराब के मामले को लेकर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के साथ ना यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि है ना अवैध बार चल रहा है। तो फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट में चेक किया गया, जिनके पास कोई कागज लाइसेंस नहीं था, और वहाँ से हमें काफी मात्रा में दारू मिली है जो कि ऊपर बंद कमरे में छत पे रखी हुई थी।